हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं सिटी स्काई लाइन। तो पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा है कि हमने ये इतनी सिटी कैसे डेवलप की है, हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और ये बाद में हमने ये मेट्रो का जो प्रोजेक्ट बढ़ा लिया था उसमें क्या इशू हो गए थे, वो हमने कैसे बाद में चेंज करके फिर से बनाए। और मेट्रो बनाते समय हमें बहुत एक बड़ा इशू हुआ था सिटी का, मतलब उस इशू के वजह से हमारे सिटी जो 20+ थाउजेंड रुपीज़ में चल रही थी, ये अभी 6,000, मतलब पूरी माइनस में गई थी। तो हमने फिर से वो प्रॉब्लम सॉल्व करके रिकवर करके ये हम यहाँ तक पहुँच गए फिर से। और ये पॉपुलेशन, ठीक है पॉपुलेशन तब भी इतनी थी, पर उस पॉपुलेशन के मतलब टाइम पे हमें प्रॉफिट 20,000 था, पर ये अभी प्रॉफिट बहुत ही कम हमारा हो चुका है। तो दरअसल ये मेट्रो हमने बनाया तो मेट्रो का खर्चा हमारा बहुत बढ़ गया है, और ये अभी हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूसरा लिया है आइलैंड का, यहाँ पे इस आइलैंड पे हम मतलब इसको एकदम एक्सॉटिक बनाएंगे। यहाँ पे सब बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह सब बनाएंगे, गार्डन वगैरह कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो चलो चालू कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे ये देखो हमने ये कैसे बनाया है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये हमने सिटी से यहाँ से कनेक्ट किया है अभी, तो बाद में देखेंगे कहीं और से अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो एक ही रास्ता बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा एंट्री एग्जिट से क्या होता है ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये रास्ता पहले तो ठीक है, बाद में अगर बहुत ही ट्रैफिक बढ़ा और ये रोड अगर नहीं लगा कि यहाँ पे हो रहा है ट्रैफिक जाम, तो हम सोचेंगे कि दूसरा कोई ऑप्शन, क्योंकि इसको ज़्यादा मतलब रास्ता बनाना थोड़ा मुश्किल भी काम है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमने कैसे बनाया है, ये बहुत मुश्किल से बनाया ये, तो वैसे यहाँ इस पहाड़ कैसे नीचे से यहाँ पे ऊपर उसको लिया है, तो थोड़ा ट्रिकी काम है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हम मतलब कन्फ्यूजन नहीं बनाएंगे। तो चलो हम पहले यहाँ पे एक बड़ी वाली इमारत बनाते हैं। यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे सामने ही एक बहुत बड़ी इमारत हम यहाँ बनाएंगे, बड़ी नहीं लग रही है इसमें। एक और कौन कौन से, ये क्या है, ये चर्च है बहुत बड़ा, तो चर्च यहाँ नहीं बनेंगे। ये कौन सा गेट है, हम यहाँ पे बना सकते हैं क्या ये गेट? ये गेट नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ अगर लग जाता तो थोड़ा देखने में अच्छा हो जाता, पर यहाँ पे वो बैठ नहीं रहा है। एक काम करते कुछ एडजस्ट करके हम बैठ, मतलब हो सकता है क्या देखते, तो पहले इसे यहाँ बना देते और फिर यहाँ हम उसको ट्रांसफर कर सकते क्या देखते। ओके यहाँ बैठ रहा है, पर ये रोड से कनेक्ट भी हो रहा है क्या नहीं? ओके ठीक है, अभी तो मतलब लग रहा है ओके। तो ये देखो ये दिखने में थोड़ा मतलब अच्छा लगा कि ये सिटीज के मतलब जो हमारा इंडिया गेट है जैसे, उसके इस मतलब डिज़ाइन जैसा हमने यहाँ पे एंट्री जैसे बनाया, पर अभी हमारी अगर क्या एक्चुअली एंट्री यहाँ से नहीं है, पर एंट्री के ऊपर हमने बनाया। और तो ये सामने का ये रोड है ना खराब, हम थोड़ा बाद में हम उसको अच्छा कर देंगे। चलो पहले यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है ये। ओके यार इसको बिजली नहीं मिल रही, ओके हाँ वो बिजली उस सिटी में कनेक्टेड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना सब ऐसे पवन चक्की लगाएंगे, तो ये देखने में भी पवन चक्की अच्छी लगेंगी, और यहाँ पे मतलब बिजली का वहाँ से वहाँ ये इतने तार वगैरह खींचने की भी झंझट नहीं रहेगी। तो यहाँ हमने ऐसे पूरे यहाँ पे एक साइड में हम विंडमिल लगाएंगे, जहाँ जहाँ बिजली की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम विंडमिल ही लगाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये एक देखने के लिए अच्छा, ये ऑपरेट वगैरह कुछ ऑपरेट नॉर्मल है ओके, तो यहाँ पे हो गया काम। तो चलो ओके ये टूरिस्ट देखने भी आ गए, विजिटर लास्ट वीक टू, ये देखो ये दो लोग तीन लोग है ये यार, ओके ये एक बाइक पे भी आ गया बंदा, ये देख ओके ये देखने के लिए आ गए। तो हमारे एक्चुअली ये चल हो गया है काम, तो देखने में अच्छा लग रहा है ओके। तो दूसरा हम क्या करें अभी, यहाँ पे ये गई, ये कौन सी इमारत है, ये भी गेट ही है, ये कैसे लग रहा है, पर ये बहुत ही छोटा लग रहा है यार। अच्छा हमने ये लगा दी, तो ये क्या है, पैलेस है, एम्स्टरडम पैलेस। तो ये पैलेस हम कहाँ पे लगाए भाई, पैलेस ऐसे कई पॉइंट पे होना चाहिए, देखते हैं हम यहाँ पे कैसे लगता है, अगर अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको तोड़ के हम दूसरी जगह पे लगे। ओके अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी, वैसे इतना बुरा नहीं लग रहा है,
पर पहले से साइड पे इतना शायद नहीं होगा, उसको बीच में कहीं पे हमें कुछ डिजाइन बनाना पड़ेगा उसको। ये हम फिलहाल फिलहाल यहाँ से हम हटा देते हैं इसको। पैलेस कहाँ पे बनाएंगे ये? थोड़ा क्या होगा, ये इस साइड में थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस साइड में थोड़ा कम हो गया है, तो पैलेस के लिए हमें अलग से सोचना पड़ेगा कुछ। पैलेस 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 ऐसे कहाँ पे बीच में बना के उसको एकदम ऐसे अच्छा लुक देना पड़ेगा। अभी वो पैलेस है भाई ऐसा। ये कौन सा है, स्पोर्ट्स अरीना। ओके, तो ये स्टेडियम हम बना सकते हैं कहीं पे भी। स्टेडियम यहाँ पे कॉर्नर पे बनेंगे, ये यहाँ पे उस साइड पे नहीं बैठ रहा है, तो इस साइड के कॉर्नर पे हम स्टेडियम बनाते। ओके, तो इस साइड पे हमने ये स्टेडियम बनाएंगे। देखो ये लोग आने भी चालू हो गए ऑपरेटिंग नॉर्मली। ओके, ये खेलने भी लग गए लोग। ये देखो यहाँ पे कैसे लोग खेल रहे हैं। ओके, ये जाने दो। ये देखो ये खेल रहे लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से। उनको भी बिजली चाहिए भाई, ये इसकी नहीं पहुँच रही क्या इतनी दूर? तो इसके यहाँ इसके लिए हमें अलग से यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा फोन। ठीक है, हम इस साइड में लगा देते, कोई इशू नहीं है। ओके, इशू हो गया सॉल्व उनका। अभी दूसरा क्या है, ये सब हम इसी एरिया में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लेवल है। सेंट्रल टर्मिनल, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ओके, ये कुछ है, ये क्या है मुझे भी पता नहीं। तो ये यहाँ पे लगा देते हैं हम ऐसे। ओके, ये कैसे लग रहा है यहाँ पे? ओके, एक्चुअली ये क्या है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल मतलब क्या है? लैंडमार्क है कुछ, मतलब ऐसे कुछ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली मतलब क्या है। पर ठीक है, विजिटर्स के लिए तो यहाँ पे विजिटर्स आ जाएंगे। तो ये एक्चुअली पूरा ऐसे मतलब एक क्या बोलेंगे इसको, विजिटर्स के लिए मतलब एंटरटेनमेंट का सब ये हो जाएगा जगह पे सॉरी। तो उसके बाद देखते कि और क्या है हमारे पास। ये क्या है, नहीं ये स्पेसिक्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सब एंटरटेनमेंट है भाई। ओके, तो ये क्या है, स्टैचू ऑफ इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री में स्टैचू ऑफ वेल्थ। ओके, ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, ये हम इस यहाँ पे लगा के देखते कैसे लगता है। ओके, नहीं यहाँ एक्चुअली हमें, चलो ठीक है यहाँ पे हम लगा देंगे, बाद में देखेंगे कहाँ पे उसको। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है, नहीं यहाँ पे लगा देते। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी हमने लगाई है, तो यहाँ पे और ज़्यादा पास पास में नहीं लगेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देंगे क्योंकि ये एरिया रिच है। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा एकदम ऐसे पास पास पे नहीं, स्टैचू ऑफ शॉपिंग वो नहीं, यहाँ पे प्लाजा ऑफ डेट वगैरह कुछ नहीं भाई यहाँ पे। ये अच्छी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या आइटम है, ये चाइनीज जैसा कुछ लग रहा है, पर यहाँ पे जगह नहीं है। ये बिल्डिंग कौन सी, ये भी चाइना। ओके, ये बिल्डिंग लगा देते हैं यहाँ पे। ये बिल्डिंग यहाँ पे अच्छी लगेगी, ये मतलब ये स्पोर्ट्स के साइड में लगता है, ये होटल जैसा कुछ लग रहा है। क्या है ये, स्पोर्ट्स अरीना पे नहीं भाई, क्लिक होना ये बिल्डिंग पे। और फिर ये चाइनीज में लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर चलो हम इसको होटल कंसिडर करते हैं। तो ये लोगों के लिए यहाँ पे एक पास हमने होटल लगा दिया, और ये ऐसे कि ऊपर तैर, अरे ये भाई ऐसे कि ऊपर हो रहा है, नहीं ये ज़मीन पे क्यों नहीं, ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये इसको शिफ्ट करके देखते हैं, वहाँ भी ऐसे ही होगा वो शायद। नहीं ये इसमें सिस्टम में कुछ ग्लिच है, तो नहीं ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा जब भी हम देखेंगे। और क्या है इसमें, नहीं इस ख़त्म हो गए। चलो तो इसमें क्या है बाकी, ये कौन सी बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्ट टावर है। ओके, ये तो दिखने में अच्छा लग रहा है, तो ये हम होटल जैसे लगा देंगे यहाँ पे, कैसे दिखता है देखते हैं। ओके, ये तो फिट बैठ गए यहाँ पे। फिर ट्रांसपोर्ट टावर मतलब लग तो रही है बिल्डिंग जैसा, नाम ट्रांसपोर्ट टावर, ठीक है अच्छी लग रही है। इसको एक्चुअली यहाँ पे अगर लगाए, नहीं कहाँ भी लगाओ, ये इसका गोल अंदर, आप गोल अंदर ही आएगा ये, इसको हम घुमा सकते हैं क्या देखते हैं, क्योंकि एक नहीं पर इसका ये एंट्री यहाँ से ना, तो ठीक है चलो वो उसको ऐसे रहने देते। और ये क्या है देखते हैं, पॉश मॉल। ओके, तो मॉल हम यहीं पे बिठा देते, ये देखो मॉल हम यहाँ पे बैठ, यहाँ पे ओके यहाँ पे बिठा दे, क्योंकि यहाँ से सिटी का व्यू भी दिखेगा। ये देखो ये ऊपर ऐसे गार्डन है ना, यहाँ पे लोग जो बैठेंगे तो उनको सिटी का व्यू भी दिखेगा, ये पूरा जो वाटर का व्यूज है वो भी दिखेगा, और सिटी वालों को भी ये मॉल दिखेगा, तो उनको थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा। कोई अगर नया
पब्लिक आ जाएगा तो उसको अट्रैक्शन रहेगा, ये देखो यहाँ पे जब मेट्रो जाएगी ना तो उनको भी ये दिखेगा, तो लोग थोड़ा अट्रैक्शन से आ जाएंगे। ये दिखने में थोड़ी देखो यूनिक बिल्डिंग लग रही है, यहाँ से देखते हैं कि हमें ये दिखता है या नहीं दिखता। यहाँ से दिख रहा है थोड़ा, मतलब ऐसे एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, पर ठीक है दिख रहा है, ये पेड़ थोड़े बीच में आ रहे पर ठीक है दिख रहा है। तो थोड़ा यूनिक है, थोड़ों को लोगों के मन में ये रहेगा कि यार ये क्या है, तो वो ज़रूर देखने आएंगे, और वो देखने के मतलब बहाने से ये बाकी भी सब विज़िट करेंगे, तो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा इससे। तो ये पवन चक्की थोड़ी इधर ऐसे करके शिफ्ट करके देखते हैं दोनों को मिल रही है या नहीं पावर। ओके इसको भी पावर मिल गई यहाँ पे। ओके तो अभी हम क्या करें, वो ओके वो पैलेस एक्चुअली हमें बिठाना है यहाँ पे, पर उसका कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। ये क्या है, टैक्स ऑफिस नहीं, ये ऑफिस वाला का आइटम नहीं है यहाँ पे। ऑफिशियल पार्क, ये कौन सा, ये छोटा पार्क लग रहा है ये छोटा। ये क्या है, ऑर्डर ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है ये ऑफिस भी हम यहाँ पे ही लगा देते हैं। ये कैसे दिख रहा है, ओके ये इसका ऑफिस है, हमारे गेम वाले की कंपनी है ना, जब गेम वाली कंपनी इनका ऑफिस है, दिख रहा है इंटरनेशनल कैसे ऑफिस यार ये भाई, ये इनका तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इनके वजह से हम ये गेम खेल रहे हैं और आप देख रहे हैं इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो इनका ऑफिस यही लगना चाहिए। तो ये यहाँ से सिटी भी दिखेगी उनको, सिटीज हम कैसे बना रहे थे। ओके तो ये एक आइटम है, टैक्स ऑफिस नहीं सॉरी, ओके ये इसका ख़त्म हो गया। ओके ये क्या है, ग्रैंड लाइब्रेरी, और ये क्या, ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये एक्चुअली ऐसे रास्ते के ऐसे बीच में दिखते हैं बैठता है क्या, ऐसे उसको टर्न कर ऐसे उसको घुमाना चाहिए, कैसे घुमाएंगे इसको। ओके ऐसे घुमा के एक्चुअली ऐसे मेरे बिठाने का आइडिया है। ये इसके नीचे से जा रहे हैं लोग, पर ये दिखने में कैसे लगता है देखते हैं, पर ये विजिबल नहीं है ये, मतलब ये गेम में जा रहे पर एक्चुअली ये एक्चुअली इतना मतलब परफेक्ट नहीं बनना है ये। ओके नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा इसके लिए यार, ऐसे थोड़ी बनेगा। नहीं नहीं यार इसको हम शिफ्ट कर देते हैं पहले। ओके सॉरी हम इसे शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ हम नहीं ऐसे ही बिठाएंगे उसको, पर कुछ उसके लिए हमें अलग थोड़ा आइडिया सोचना पड़ेगा। तब तक हम इसको डिलीट कर देते हैं यार, ऐसे बीच में अच्छा नहीं लगेगा यार। यहाँ लगाएंगे। ओके हम पहले भी पहले समय जो लगाना है, ये क्या है, ऑफिस है ये, नहीं ऑफिस वगैरह नहीं, ओपेरा हाउस है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा, ये क्या है, ये क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रही, ऑफिस देखते ओपेरा हाउस कितना बड़ा है। ओके ये तो बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ कैसे लगेगा देखते हैं। ओके ये यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है एकदम, पर इसको अभी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमें फिर से यहाँ पे एक पवन चक्की विंड मिल यहाँ पे हमें खड़ी करनी पड़ी। ओके इसका प्रॉब्लम सॉल्व। ओके तो हमें वो पैलेस एक्चुअली जो बनाना है ना, उसका थोड़ा आइडिया मैं सोचता हूँ। ये पैलेस कहाँ पे है, ये क्या है, लाइब्रेरी छोड़ दो, ये क्या है। ओके यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग शायद हमें मिल रही है, क्या है, साइंस सेंटर। ओके वो तो लगाना ही पड़ेगा, सर्विस ऑफिस। ओके एक्सपो सेंटर, ओके हाई इंटरेस्ट टावर, ओके एक्वेरियम, ओके तो ये सब हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके और ये क्या है, कैवेली टॉवल दुबई, ओके बहुत बड़ा। अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, एक सन ये यहाँ पे लगा के देखते हैं इसके साइड में, इस मॉल के साइड में। ओके यार ये तो देखो ये कितना बड़ा लग रहा है यार, सही में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखो। और ये देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल कैसा है, ओहो हो भाई। और ये देखो यहाँ पे ऊपर ना हर एक आदमी के घर में स्विमिंग पूल है, ये देखो ये। और यहाँ से क्या नज़ारा दिखता होगा उनको यार, देखो ये यहाँ का पूरा ग्रीन एरिया फॉरेस्ट का, और यहाँ की पूरी सिटी। ओके ये रास्ते में आए क्या, ओके यार नहीं, पर अरे ये रास्ते में आए हैं,
अब ये नीचे से गाड़ियाँ जा रही है, पर ये इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये रास्ते में आ रहा है। एक सेकंड, इसको चेंज करके देखते हैं। ओके, इसको कैसे चेंज करें। ओके, तो अगर ये ऐसे इतना दूर लिया तो ये रास्ते से कनेक्ट रहेगा क्या? ठीक है, अभी इसको नहीं, ये देखो ये रास्ते से कनेक्ट नहीं हो रहा है भाई। पर ये ऐसे कैसे डिज़ाइन बना दिया उन्होंने? एक सेकंड एक सेकंड यार, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता है ऐसा अगर कुछ इशू आए तो। ऐसे कुछ एडजस्ट करके देखते हैं कि ये रास्ते को कनेक्ट भी रहे पर ये इसके बीच में ना है। ओके, अब देखते हैं कि ये रास्ते से कनेक्ट है या नहीं। नो रोड एक्सेस। ओके, अभी भी इसको रोड एक्सेस नहीं। तो क्या करे भाई, इसको अंदर एक और रोड बनाना पड़ेगा क्या? नहीं यार, इसको हमें थोड़ा एक काम करते, इसको हमें थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट करके यहाँ पर रोड बना के इसको, पर कौन सा भी रोड बनाओ यार, ये तो वैसे ही इशू देगा ना, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा है कि कहीं भी रोड बनाओ ये इसका ही इशू वैसा ही रहेगा। फिर भी हम रोड बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एक छोटा वाला, उसके लिए 2 लेन का ही चाहिए मेरे को। एक छोटी सी कोशिश करते इसके इसके लिए रोड बनाने की। ओके, ये ऐसे बना दिया हमने और इसको अभी हम यहाँ पे शिफ्ट करके देखते हैं। इसका थोड़ा थोड़ा रोड अंदर शायद लेना पड़ेगा। एक सेकंड देखते हैं कि ये ओके, ये रेड को कनेक्ट हो गया, ऑपरेट नॉर्मली। ओके, तो ये हमने इशू सॉल्व कर दिया। इसके लिए हमने ये एक थोड़ा सा छोटा सा और एक रोड अंदर बना दिया है देखो। तो ये जो मतलब इसके लिए जो लोग आएंगे वो यहाँ पे वो ओके, और उनको ये पार्किंग की भी जगह मिल गई लोगों के, और ये रास्ते से बाहर भी हो गया देखो। थोड़ा आ रहा है कॉर्नर पर भी, ठीक है चलो, इतना कोई इशू नहीं है, वो देख लेंगे अगर रहेगा तो कुछ। तो चलो यहाँ से देखो कैसा नज़ारा दिख रहा है दुबई का, सॉरी दुबई का नहीं, बिल्डिंग दुबई के, पर ये हमारे सिटी में। तो यहाँ पे कुछ हम पेड़ वगैरह लगाएंगे, पेड़ का ऑप्शन देखो, ये सब हम पेड़ यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। ये सिटी मतलब ये एरिया डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है उसके लिए और भी मुझे एपिसोड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक एपिसोड में अगर मैं पूरी आपको दिखाऊंगा ना डेवलप करके तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमें पूरा ऐसा एरिया इसके आजू बाजू का डेवलप करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी ये इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा इसमें यही करने में। तो अभी हमें क्या करना है, ये एक्चुअली इसके लिए कुछ आइडिया ढूंढनी है मुझे। ये कहाँ पे गया, ये जो है ना एम्स्टरडम पैलेस, तो पैलेस के लिए मुझे कौन सी तो खास जगह भी ढूंढनी है और उसको बहुत ही मतलब बनाना है एक अलग सा। तो ये ऐसे रास्ते के बाजू में नहीं, ये क्या कोई होटल नहीं है रास्ते के बाजू में, ऐसे रास्ते से बहुत अंदर, ये ऐसे देखो ये ऐसे बीच में होना चाहिए और उसके आजू बाजू में पूरा ये। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली रोड बना के ये बनाना पड़ेगा और बाद में इसको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है चलो, हम एक काम करते हैं, थोड़ा करके ट्राई करके देखते हैं। तो ये वाला रोड बनाते हैं, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ से हम यहाँ तक इसको बनाते हैं और एक यहाँ तक बनाते हैं और एक यहाँ पे बनाते हैं, और अब उसको हम बना के देखते हैं कि ये कहाँ कैसे लगे। ओके, तो ये ऐसा अभी दिख रहा है, तो वो पूरा एरिया हम डेवलप करेंगे अभी। ओके, तो ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे रोड देखो, आने जाने दोनों के लिए। ओके, और ये मेन एम्स्टरडम पैलेस हमारा, और इसके अभी साइड का पूरा एरिया हम डेवलप करेंगे, और इसको अभी हम थोड़ा एक सेकेंड और कुछ इसका आइडिया आती है क्या मुझे, देखते हैं और क्या। ओके ठीक है, ये बाकी का सब तो हम कर लेंगे। ओके, और ये क्या है,
मल्टी स्टोरी डेकोरेटिव पार्किंग है वो, तो इसके लिए पार्किंग भी हमें ढूंढनी पड़ेगी ना, लगानी पड़ेगी। तो ये बड़ी वाली देखते हैं कैसे कहाँ पे लगेगी। ओके, तो लोग जो देखने के लिए आएंगे ना, तो उनके लिए हमने ये पार्किंग लगाई यहाँ पे। तो जहाँ पे लोग आएंगे ये देखने के लिए, तो उनके लिए पार्किंग भी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा पैलेस है। और एक पार्किंग ये प्राइवेट लगाएंगे, मतलब ये जो पैलेस, मतलब ये पैलेस के जो मेन राना, मतलब राजा रानी वगैरह जो होंगे उनके लिए, या ये सार्वजनिक ही रखेंगे। मल्टीपल प्रॉब्लम्स के पानी वगैरह नहीं, वो प्रोवाइड करेंगे भाई, डोंट वरी। ऑपरेटिंग ओके, विजिटर्स के लिए तो हम, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, फिर भी ठीक है, चलो हम ये प्रोवाइड तो कर देते हैं। और बिजली का कैसे करें, यहाँ पे उसके एक इंडिविजुअल विंड मिल लगा देते इसके साइड में, तो अच्छे रहेगी। नहीं ये अच्छे नहीं रहेगी, यहाँ से पीछे से हमको उसका लाइट कनेक्शन देना पड़ेगा भाई। ओके नहीं, ये यहाँ पे लगा के देखते कि वो कंप्लीट होता है क्या। ओके ये ओके, इलेक्ट्रिक का भी सॉल्व हो गया, पानी का भी सॉल्व हो गया। ओके तो ये ऑपरेट नॉर्मली हो चुका होगा। ओके ऑपरेट नॉर्मल, ये को विजिटर्स भी आने मतलब चालू हो गए, तो ठीक है अभी तक नहीं, हमने इतने ही बनाए, इसको और हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इसमें कुछ ऐसा फेंस जैसा है कुछ, तो ये आइटम कैसा है देखते हैं। ओके ये देखो, ये देखे फेंस, ये हम ऐसे लगाएंगे और इसकी पहले बॉर्डर हम फिक्स करें। और दूसरे कौन से वाले फेंस है क्या इसमें, ये क्या है, ये कुछ वॉल है ऐसी। ओके नहीं ये तो कुछ अलग ही दिख रही है भाई, ये इतने चार चार क्यों है भाई, मुझे एक ही चाहिए थी, इतनी बड़ी नहीं चाहिए। नहीं नहीं ये वाला नहीं चाहिए तो मुझे। और क्या ये नहीं, ये वॉल नहीं, ये साइड वॉल है शायद। ओके ये सब गार्डनिंग का है यहाँ पे। ओके तो यही वॉल लगा देते हैं हम पूरी साइड से ऐसे, इसको पहले हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ओके तो ये पूरी, ये मतलब जो पैलेस है इसकी वॉल है, तो पैलेस के लिए हम इतनी जगह रखेंगे। ओके ये इतना एरिया हम पैलेस का ही रखेंगे यहाँ पे। ओके तो ये 90 डिग्री में हमें बनानी पड़ेगी। तो पहले देखते कि ये कैसे लग रही है हमारी, ये जो हमने अभी बनाई है वो कैसे लग रही है, बाद का बाद में देखेंगे। ओके तो ठीक लग रही है, थोड़ी हमें एक्चुअली परफेक्ट बनानी चाहिए, ये थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई। ओके तो हम फिर से बनाते हैं यहाँ से काफ़ी। ओके कहाँ तक बनाने की सोची हमने, ओके यहाँ तक, ओके ओके यहाँ तक बनी हुई, 90 डिग्री यहाँ तक आ गई। ओके इसके पीछे ही बनाते ताकि हम यहाँ भी कुछ बना सके, क्योंकि ये जगह वेस्ट नहीं हो। नहीं पर ऐसे नहीं लगे ना, ये तो पूरी इस पैलेस की, तो हमें ऐसे छोड़नी नहीं चाहिए, जगह की तो कोई यहाँ पे कमी नहीं है, बहुत जगह है। तो चलो ये ऐसे ही बना देते और देखते ये हमने ये बनाया कैसे लगता है। ओके तो ये जगह पूरी पैलेस की है, इसलिए हमने ये जगह इतनी छोड़ दी है। तो ओके ये वॉल हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके हमें अभी इसके हिसाब से बनानी पड़ेगी, ये रोड के हिसाब से। ये हमें बंद करना पड़ेगा, इसे पूरी सीधी नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे रोड हमारा सीधा नहीं है। तो हमें रोड को अगर पैरेलल पैरेलल बनानी तो उसके हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। ओके ठीक है, छोटी बहुत है वो, इतनी दिखेगी नहीं, पर जो लोग आएंगे और उनको तो दिखेगी, तो हमें अच्छा ही बनाना पड़ेगा। ओके
ओके नहीं ये कैसे बनी, नहीं ये तिरछी बनी है यार, यही बहुत मुश्किल काम होता है ये छोटे छोटे डिटेलिंग बनाना ना, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और मतलब ये अभी भी इतनी परफेक्ट नहीं लग रही, यहाँ तक बनाना पड़ेगा पहले मुझे शायद। ओके चलो छोड़ दो, इतना अगर बारीक बारीक करता रहा तो बहुत टाइम लगेगा मेरे। ओके यहाँ तक बनाई और ये यहाँ तक हम, अभी उसको ये ऑन करना पड़ेगा हमें और ये सीधा ऐसे 90 डिग्री, नहीं तो ये 90 डिग्री यार नहीं, यहाँ से 90 डिग्री नहीं बना सकते, यहाँ पे इसके हिसाब से बनाना है। ओके तो यहाँ पे यह बन गई है और यहाँ इसको छोड़ तो नहीं सकते। ओके तो ये हमारे वॉल का काम कंप्लीट हो गया है, तो ये तो बराबर लग रही है, ये यहाँ से थोड़ी यहाँ से परफेक्ट नहीं बनी है, तो ये हमें फिर से बनानी पड़ेगी या। ओके तो चलो हम ये फिर से बना दें, पर ये ऐसी बन रही है भाई, थोड़ थोड़ा हमें मैन्युअली बनानी, ये ऐसे क्यों बन रही है भाई, ये तो मैंने ऑफ कर दिया ना। ओके सॉरी अब बनेगी शायद। ओके अब ये थोड़ा पैरेलल लग रही रास्ते को। ओके तो ये इस यहाँ पे गेट है इसका, यहाँ से एंट्री और एग्जिट के लिए, मतलब गेट एक्चुअली बनाया नहीं, गेट नहीं बना सकते क्या, ये क्या है ग्रास नेटवर्क, एक्चुअली गेट वगैरह भी बनाना आना चाहिए था यार, ये गेट वगैरह की मुझे तो अभी तक पता नहीं है सिस्टम, वो बाद में देख लेंगे। ओके चलो ये तो ये इतना एरिया तो डेवलप हो गया इसका, ये तो पूरा एरिया, अभी हमें इस एरिया में भी कुछ छोटा छोटा गार्डनिंग का सब बनाना है, तो ये पेड़ रह ही देते क्योंकि ज़्यादा कुछ तोड़ना नहीं यहाँ पे, तो हम पहला ये एरिया डेवलप। ये क्या है टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्योंकि यही ये भी हम यही बना देते क्योंकि पैलेस में जो लोग आएंगे मतलब जो देखने के मतलब ये जो यहाँ रहने के लिए आएंगे ना, तो उनके लिए भी ये कोई ये क्या है ये छोटा सा कुछ है वो, ये हम यहाँ पे बैठने के लिए बना सकते लोगों के लिए मतलब थोड़ी देर टाइम पास के लिए। तो ये देखो ये कैसे दिखने में अच्छा लग रहा है। ओके तो ये यहाँ पे भी हम और एक लगाएंगे, हम काफ़ी रहेंगे ये था ना, यहाँ पे भी लगाएंगे तो ये दिखने में अच्छा लगा, यहाँ पे भी एक लगाएंगे तो ये बैठने के लिए तो लोगों के टाइम पास में आ जाएगा। ओके ये लगाएंगे और क्या, ये क्या है स्मॉल फाउंटेन, एक बहुत ही स्मॉल है मतलब यार ये इतना स्मॉल का क्या फ़ायदा है, ये कहाँ पे लगाऊंगे, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये कौन सा है ये लार्ज भाई, ये इनका लार्ज फाउंटेन, ये क्या है कितना सा है ये लार्ज के मतलब लार्ज मतलब, और क्या यहाँ पे बहुत कुछ है। ओके तो मैं काम करता हूँ, ये आपको मैं पूरा बना के बाद में ही दिखा देता हूँ और वो मैंने क्या क्या बनाया है वो बता देता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं बना मतलब बनाने की वीडियो बनाऊँगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा इसमें, तो मैं ये बाद में आपको डेवलप करके ही बाद में दिखाता हूँ कि मैं, क्योंकि मैं सोचना पड़ेगा पहले करके देखना पड़ेगा, अगर ये अच्छा नहीं लगेगा तो वो करके देखना पड़ेगा तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो ठीक है चलो ये इतना तो हमारा बन गया, अभी और भी उसमें कुछ चेंजेस हो गए ना वो तो मैं करके ही आपको दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि सब दिखाना मतलब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और सोचने में भी टाइम चला जाता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। ओके उनके गार्बेज का इशू आ रहा है, गार्बेज का सिस्टम कैसे चल रहा है हमारा, नहीं फूल है तो ठीक है भाई लोग थोड़ा वेट करो ट्रक आ जाएंगे हमारे। तो और क्या हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हमने इतना तो आइलैंड हमारा ये कंप्लीट किया है एग्जॉटिक, और भी यहाँ पे जगह बहुत बची हुई है, तो यहाँ पे और भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है, तब तक हम एक बार सिटी का दौरा करके आते हैं कि सिटी में कुछ इशू वगैरह तो नहीं है, नहीं तो क्या होता है वो मेट्रो बनाते टाइम जैसे हमारा हुआ ना मेट्रो पे ही ध्यान रह गया, वहाँ पे क्या इशू हो गया हमारा ध्यान नहीं चला गया और पूरा सिटी हमारे लॉस पे चली गई, तो वैसे कुछ इशू नहीं है यहाँ पे, सब खैरियत है ना हमारे सिटी की। ये क्या इनको इशू क्या हो रहा है ऑपरेटिंग नॉर्मली, तो ये इशू क्या, ये गोल्ड का गेटअप है नॉट इन बायस टू प्रोडक्ट। ओके भाई यार ये इतनी तो लोग है हमारे पास,
ओके यार ये क्या हो गई, गार्बेज का क्या हुआ? ओके 100% फुल, ये पूरे अभी हमें खाली करने के लिए लगाने पड़ेंगे 1 सेकंड। ये देखो ऐसे इशू होता है, तो वो देखना पड़ता है कि सिटी में क्या इशू चल रहे हैं, क्योंकि अभी इतने खाली करने पड़ेंगे ना, तो ये अभी दो ही चालू, तो दो पे पूरा लोड है, तो हमें शायद गार्बेज का क्या सिचुएशन है। नहीं बाकी तो सब ठीक है, पर वो पहले खाली होनी चाहिए बस, नहीं तो गार्बेज का इशू बहुत बढ़ जाएगा और सिटी को हमें नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी तो सब अच्छे तरीके से चल रहा है। मेट्रो का देखते हैं, हमारे मेट्रो जो बनाई तो हम कितने प्रॉफिट में या कितने लॉस में। नहीं अभी भी हम थोड़ा लॉस में ही है, पर ठीक है, पहले जो बहुत कम प्रॉफिट हुआ था तो अभी तो इतना तो आ गया, मतलब हम 50-50 पे है अभी, 3,000 का घाटा है और 2,700 का प्रॉफिट है, तो आसपास हम पहुँच गए। तो और थोड़ी हम कोशिश करेंगे कि मेट्रो हमारी अच्छी तरीके से चले, रूट बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे मेट्रो से ट्रेवल स्टॉप और ऐड करेंगे, और ये लोग जो जा रहे हैं उनकी अभी कुछ तो हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, कि यहाँ पे एक एरिया खाली है, हम यहाँ पे कुछ तो लोगों का एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम करेंगे ताकि लोग हमारे यहाँ पे आ जाएं। तो ये क्या है, यहाँ पे बर्थडे प्लाजा नहीं, यहाँ लार्ज डेकोरेटिव पार्किंग है, तो ये हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। पर ये रोड की साइड है, तो वो ये रोड की जगह पार्किंग का इशू तो नहीं लगा। यहाँ पे ट्रैफिक क्यों हो रहा है भाई, ये टोल की वजह से ना यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है, इसका ना मुझे कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। कि ये देखो ये पे कितना ट्रैफिक लग रहा है, देख रहे, अरे बाप रे, ये पूरी लाइन मतलब रेड होगी शायद। ये देखो ये यार 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 ये बहुत ही ट्रैफिक बढ़ रहा है, पर सिटी का एक बार ट्रैफिक का हाल देखते हैं क्या है कहाँ पे। ये देखो ट्रैफिक, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो कितना लाल है पूरा यार ये एरिया, ये टोल की वजह से ना यहाँ पे पूरा एरिया हमारा ट्रैफिक जाम हो चुका है टोल की वजह से। ये देखो यार कितना ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे भी क्यों हो रहा है भाई। यहाँ पे तो मैंने 2 लेन वाला रोड अपडेट कर दिया था पिछली बार, फिर भी ये ओके यहाँ पे ये चौक है इसकी वजह से हो रहा है कि यहाँ पे ग्रीन का टाइम कम है क्या, बहुत समझ में नहीं, पर बहुत ही मतलब ओके ये देखो यार हाँ इसकी वजह से ये ट्रैफिक का सिग्नल का कुछ आइटम रहता है क्या, आप 1 सेकंड सिग्नल का देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। नहीं यहाँ पे कुछ मतलब दिख तो नहीं रहा है सिटी का, पर ट्रैफिक तो हमारा बहुत ही बढ़ गया है सिटी का, उसका कुछ ना कुछ तो हमें इलाज करना पड़ेगा। ठीक है वो हम देख लेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है चलो, तो फिर आज इतना ही करते, आज हमने ये इतना एरिया ही डेवलप किया है, ज़्यादा कुछ इस समय किया नहीं है हमने, पर ये करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे सोचना पड़ेगा और हम डेकोरेटिव और इंटरेस्टिंग हम कैसे बनाएंगे, तो हम आज यही रुकेंगे और मैं सोचता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में हम यहाँ पे कुछ अच्छा बनाएंगे। तो सिटी कैसे है, धीरे धीरे ही डेवलप होती है और धीरे धीरे डेवलप ही होनी चाहिए, एकदम से होगी ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, लैंड वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारी सिटी की लैंड वैल्यू बहुत कम चल रही है, तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें थोड़ी स्पीड कम करनी होगी। ज़्यादा हम फास्ट अगर बनाते गए तो उतने पीपल भी आने चाहिए, अभी ये देखो ये पॉपुलेशन हमारी थोड़ी कम हो रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे सब कुछ बनाएंगे और आप मेरे साथ ये सफ़र पूरा इन्जॉय करेंगे, ऐसे मुझे मतलब गारंटी है। और मुझे कमेंट में भी ज़रूर आप बता देना कि आपको ये कैसे लग रहा है और कैसे मैं सिटी बनाऊं, और आपको भी कुछ आइडिया अगर आते हैं कि यहाँ पे ये बनाना है या यहाँ पे ये बनाना है, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए। और चलो तब तक देखते रहिए बाकी के भी वीडियो, मैं सबके लिंक कमेंट में दे दूँगा जो भी गेम प्ले है वो सब, तो वो देखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे गेम प्ले, और उसमें क्या आपको कुछ सुधार चाहिए या आपको कुछ आइडिया है वो, और अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लुत्फ़ उठा सके अच्छे अच्छे गेम प्ले के, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जल्द से जल्द मेरी वीडियो पहुंच जाए और आप देख के उसका आनंद उठा सके। ओके तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ज़िंदगी के मज़े उठाइए, आराम कीजिए, अच्छे रहिए
और हंसते रहिए, और मेरा गेम प्ले मतलब मेरे वीडियो ज़रूर देखते रहिए। चलो टाटा और बाय बाय।